हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमबीर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो फाइव सेफ जोन है वो कौन से जोन है जहां से कि आपका 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है, और मेडिकल में ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे आपको अच्छे नंबर होते हुए भी बाहर जाना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो फाइव सेफ जोन है वो कौन से सेफ जोन है जहाँ से आपका 40 पर भी होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो मैं फाइव जोन बताने वाला हूँ सेफ जोन, वहाँ से 40 पर केवल जो एससी और जो एसटी के छात्र होंगे उनका ही चांस है। बाद बाकी जनरल ओबीसी का कोई भी चांस नहीं है वहां से कि जनरल ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो जाए। हाँ, यह है कि जनरल ओबीसी वालों के अगर वहां से 50 या 48 या 52 के आसपास आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए रिवाइज आंसर की में भी आपके 3 से 4-5 नंबर बढ़ सकते हैं, और फिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है जिनके अब 50 आ रहे हो उनके 65 भी हो सकते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके 50 नंबर रो मार्क बन रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, आपको पीटी की तैयारी कर लेनी चाहिए अगर आपके 50 नंबर के आसपास बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेफ जोन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर जो सेफ जोन है वो है चेन्नई, यानी कि चेन्नई जोन क्या है, ये सबसे सेफ जोन है। चेन्नई जोन की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। यहां से अगर आप एससी एसटी से हैं और आपके नंबर बन रहे हैं 40 भी, तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरा पूरा बनता है। सेकेंड नंबर पर है आपका सीआर मुंबई, और नंबर थर्ड पर है डब्ल्यूआर मुंबई, यानी कि ये जोन दोनों ही ये समझिए कि आगे पीछे हो सकते हैं, या तो देखिए दोनों की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एक नंबर या डेढ़ नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है मुंबई सीआर और मुंबई डब्ल्यूआर में। तो देखिए, ये भी बिल्कुल सेफ जोन है। सिकंदराबाद, यानी कि सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाली है। इसके बाद में मैं बता दूं जो पांचवा सेफ जोन है आपका वो है हुबली जोन। देखिए, ये पांच जोन मैंने आपको बता दिए, चेन्नई मुंबई, डब्ल्यू आर मुंबई, सी आर मुंबई, सिकंदराबाद और आपका ये हो गया हुबली। इन पांच जोन से एससी एसटी वालों की जो कट ऑफ रहेगी वो 40 पर सिलेक्शन हो जाएगा। 40 पर क्यों संभावना है, देखिए इस समय अगर आपके रो मार्क 40 हैं तो भी आपके 50 प्लस होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इनके इतने नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 10-12 नंबर सभी के बढ़ने वाले हैं, यानी कि कम से कम इतने नंबर तो आपके बढ़ ही जाएंगे। और इन जोन की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है। अगर इस जोन से आपके इतने नंबर आ रहे हैं और जनरल ओबीसी वाले 50 प्लस क्रॉस कर रहे हैं तो वो पीटी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि पीटी की तैयारी के लिए रिजल्ट के बाद आपको 10 से 12 दिन का ही समय मिलेगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। फिर ऐसा होता है कि जब आपको अचानक रिजल्ट आ जाता है और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप हड़बड़ा जाते हैं कि मैं पीटी की तैयारी अब कैसे करूं, और जल्दबाजी में आप चोटिल हो जाते हैं और इस वजह से आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो जो पीटी की तैयारी करें हिसाब से करें, चोटिल होने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा चांस है भर्ती होने का। अगर इस बार आप भर्ती हो गए तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। अब मैं आपको बता दूं मेडिकल के बारे में, देखिए मेडिकल में क्या क्या परेशानी आ सकती है आपको। देखिए, मेडिकल वैसे तो रेलवे का नॉर्मल होता है, आर्मी की तरह इतना हार्ड नहीं होता है। अगर देखिए, रेलवे में केवल एक ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो होती है आइज प्रॉब्लम, यानी कि आँखों की दिक्कत। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो देखिए फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, रेलवे में केवल कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं उनको नहीं लिया जाता, बाद बाकी आपका हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, उंगली टूटी हुई है या कुछ भी हड्डी टूटी हुई है, तो ऐसे छात्रों को बाहर नहीं किया जाता है। केवल अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको देखिए फिर कोई मौका नहीं मिलता है, फिर आपको डायरेक्ट ही बाहर कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ही कम छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होता है। और देखिए, जो एक और प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइड्रोसिल की, यानी कि हाइड्रोसिल नहीं होने चाहिए। और देखिए, हाइड्रोसिल अगर है भी तो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वहाँ से आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, फिर आप ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा चेकअप करा सकते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़ी दिक्कत केवल यही है कि आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपका छोटा मोटा एक्स्ट्रा भी होता है चेस्ट का, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती है। सबसे मेन दिक्कत यही है, अगर कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको मेडिकल में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही दिक्कत है, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप देखिए और किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर हैं और कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपकी 0.1% चांस ही है कि किसी भी तरह से आपको ले लिया जाए, नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस वालों को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में बस आपको यही बताना चाहता था कि
मेडिकल में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो यही होती है। और जो सेफ जोन है, अगर 5 सेफ जोन मैंने बताए हैं, यहाँ से अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं, और अभी से पीटी की तैयारी धीरे धीरे में लग जाइए, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।